हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोग को खासपुर का सैर कराऊंगा, खासपुर का रूबरू कराऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं के खासपुर का अंदर घुस गया हूँ और यहाँ पे जो डिफरेंट मोनूमेंट है डिफरेंट टाइम का, तो बोर्ड दिखाई देगा आपको, जहाँ पे लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कछाड़ी भग्नावशेष, कछाड़ी रुइंस खासपुर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर भी देखिए, वो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं खासपुर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। खासपुर का अंदर जो डिफरेंट नज़ारा है खासपुर का, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत मस्त आएगा, बहुत मस्त मज़ा आएगा आप सबको, ठीक है। ये है खासपुर, ये मेंटेनेंस के लिए कुछ ऑफिसियल रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, उन लोग के रहने के भी ये जगह है। काफ़ी सा बड़ा एक फील्ड एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम अभी भी वो खासपुर एरिया का एंट्रेंस में होके अंदर से जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रेजिंग वैन भी है, एक्चुअली ग्रेजिंग वैन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया फील्ड एरिया है, तो यहाँ पे कैटल और गोट्स वगैरह ग्रेजिंग करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, इधर पीएचई का पीएचई डिवीजन है, इधर पानी का जो बंदोबस्त किया गया वो है यहाँ पे, और ये पूरा फील्ड एरिया है, ठीक है। तो काफ़ी रोचक सा नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको। ये देखिए, काउ कैटल गोट्स वगैरह यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक आंटी भी यहाँ पे है, हम आंटी से वार्तालाप करेंगे। हेलो आंटी, आप यहाँ पे क्या एम्प्लॉय हो क्या यहाँ का? अच्छा अच्छा, अपनी माने ईटा संरक्षण आ कि एखन की काज करें आपने? পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ করেন? আচ্ছা, এটা কাছাড়ি কিংডম না? আগে কাছাড়ি রাজারা এখানে থাকতেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরু ছাগল যে ভিতরে ঘাস উঠ খাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নাই এটা দিয়ে? না অসুবিধা তো নেই, এখন তো বাউন্ডারি তো এইদিকে বাউন্ডারি আছে, ওইদিকে বাউন্ডারি নেই। আচ্ছা, বাউন্ডারি নেই না, ওইটার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি মানে এই তো এমপ্লয় গভর্নমেন্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আছেন না? আচ্ছা, কত বড় এরিয়া এটা? অনেক বড় এরিয়া নাকি? অনেক বড় এরিয়া, 500 বিঘা জমি। বাপ রে বাপ, আমরা তো এখন শুধু জাস্ট ঢুকেইছি। রাজমহল ভিতরে আছে না? রাজমহল নেই, ওই একটা বারাদরি আছে, একটা বিষ্ণু মন্দির আছে, আর ওই একটা কালী মন্দির। রাজমহলটা কোথায় এখন? রাজমহল এখানে নেই। রাজমহল কোন জায়গা? এটা বাইরে বাইরে জায়গা থাকবে। রাজমহল রাজার এই খাসপুরের কোন রাজমহল মহল বলে এগুলো ছিল, কোনো রাজারা থাকতেন না এখানে? আমরা তো শুনেছি কাফেরি রাজারা থাকতো এখানে। রাজা এখানে থাকলে কি হবে, আমরা তো এটাতে শুনছি না। আচ্ছা, আমরা মহলটা দেখছি, ওই একটা বারোদারি, ওই ওই একটা মন্দির আছে ভিতরে, হ্যাঁ ওইটা না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা দেখবো এখন। আবি এক দিদি সে বার্তালাপ কিয়া হাম লোক নে, তো ইয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কা তরফ সে হে জো মেন্টেনেন্স কা কাম মে হে ইয়াহা পে, तो मेंटेनेंस का काम में लगे हुए हैं। हाँ, अभी हम लोग को उसी दीदी से पता चला, उसी दीदी से पता चला कि 500 बीघा का ऊपर ये जो खासपुर का एरिया है, जो विलेज है, करीबन 500 बीघा, 500 बीघा का ऊपर है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा सा एरिया है, बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो आप लोग को मैं शेयर कराऊंगा, बने रहो आप लोग मेरे साथ। मेरे साथ मेरा फैमिली भी को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए, मेरा बच्चा मज़ा देते हुए। हेलो, ठीक है ठीक है, मज़ा देते हुए आप लोग को मैं रूबरू कराऊंगा, और जैसे जैसे अंदर जाऊंगा, जैसे जैसे डिफरेंट चीज़ दिखाई देगा, वैसे मैं आपको सब बताऊंगा। मेरे बच्चे यहाँ पे भागते हुए, काफ़ी धूप है, काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे है, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जो खासपुर का ये बाउंड्री के अंदर एक मिनी बाउंड्री है, ये शायद यहाँ पे कुछ खेल वगैरह हुआ करता था। हेलो भाई, आप यहाँ पे ही हो? तो घूमने आए हो, आपका घर कहाँ पे? उधर। ये क्या चीज़ ये है? रेत? मतलब इधर उसका क्या कोई मतलब कुछ कुछ होता था उधर क्या? ये जो छोटा स्टेडियम है, ठीक है, स्टेडियम का ऊपर उठने का एक है स्पेक्टेटर, वो भी घूमने आए, वोकल बंदा लग रहे हैं, सलमान खान का स्टाइल में घूम रहे हो, ठीक है।
काफ़ी धूप है, धूप का अंदर मैं आप सबका साथ में भी धूप में हूँ। तो ये काफ़ी जो एरिया है ग्रीनरी है, ग्रीन फील्ड है, चारों तरफ से पेड़ पौधों से भरा हुआ है। डिफरेंट पेड़ पौधा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हम वो कभी भी अंदर जा रहे हैं खासपुर का अंदर, डिफरेंट पेड़ पौधा है। ये जो कॉरिडोर है पेड़ पौधों का, बीचों से खासपुर में जाने का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर से अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो एक छोटा मोटा स्टेडियम है आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक स्टेडियम है अंदर, बहुत सारा डिफरेंट लोग से हम लोग का मुलाकात होगा, घूमने आते हैं लोग यहाँ पे। तो आप लोग से रूबरू कराऊंगा सबसे मैं। आप लोग के यहाँ पे ही हो, यहाँ का वोकल हो क्या? आप लोग यहाँ का ही हो, वोकल हो क्या? कहाँ घर है आप लोग का? कॉलोनी में। अच्छा अच्छा, कब से आते हो यहाँ पे? ये क्या चीज़ है, स्टेडियम है क्या? इसका अंदर खेल वगैरह कुछ होता था पहले? राजबाड़ी, ठीक है। लेकिन ये जो बाउंड्री, राजबाड़ी बाउंड्री का अंदर एक बाउंड्री है ना, उसका अंदर क्या है? पार्क। क्या पार्क है? कुछ दिखाई देखने का कुछ चीज़ें सामान है अंदर? कुछ सिर्फ बैठने का है और घूमने का है। वो सामने क्या दिखाई दे रहा है? राजबाड़ी का घर बिल्डिंग है ना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर वोकेब हो ना, हमेशा आते हैं यहाँ पे? स्कूल अंदर है, उधर स्कूल है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो अभी दूर में आपको एक मोनूमेंट दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आए हैं आज, काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्यूटीफुल नज़ारा है खासपुर का। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मोमेंट में आ सकते हो। पूरा 500 बीघा का एक बड़ा सा एरिया है, उसका अंदर ग्रीन फील्ड है और डिफरेंट एंशियंट टाइम का राजा लोग का डिफरेंट मोनूमेंट मिलेगा, ठीक है। किस तरह से वो मोनूमेंट वर्क बना, किस तरह से रहते थे, किस तरह से मंदिर वगैरह घर वगैरह बनाते हैं, उसका वो एग्जांपल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैं अभी ग्रीन फील्ड का बीच से उधर जाते हुए एक अंकल भी, हम उनसे बात करेंगे। अंकल आप यहाँ का वोके वो क्या? अच्छा, ये क्या दिखाई दे रहा है, जो क्या चीज़ है ये? तो ये नाम है बारोद्वार। क्यों बोलते हैं इसको बारोद्वार? बोलता है अभी तो टूट गया, पहले तो ज्यादा था। अच्छा, बारोद्वार था, मेरे घर का अंदर बारो? नहीं नहीं नहीं, बारोद्वार नहीं था, बारद्वार। यहाँ मैं राजा सुना विचार करता रहा। अच्छा, कोई मतलब कोर्ट 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 हुआ करता, अदालत हुआ करता था ना? अच्छा, इसलिए इनका नाम बारद्वार। बारद्वार। अच्छा, आप यहाँ पे गोरू वगैरह चराते हो? चराते हो, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई आदमी यहाँ पे है? अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई बाहर से वो घूमने आते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं, रोज घूमने आते हैं ना? घूमने आते हैं, दूर दूर से आते हैं ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम निशी नाम है, निशी दास। अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया? मैं सिलचर का हूँ, लेकिन इधर कभी नहीं आया था, इसलिए आया। पहले हाँ, मेरा चैनल है, ठीक है। तो उसमें अब दिखाऊँगा, ठीक है, थैंक यू। आपको यहाँ पे डिफरेंट टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे है जो हर रोज़ खासपुर में घूमने आते हैं और राजा का महल देखने आते हैं खासपुर में, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा टूरिस्ट है, वोकल फोक है। आप लोग यहाँ का वोकल हो क्या? ये रोज आते हो घूमने के लिए? कहाँ से? समय समय में ना? अच्छा, खासपुर से ही हो आप लोग ना? सब यहाँ का खासपुर से? बाहर का लोग घूमने आते हैं खासपुर में? कौन सा सीजन में ज़्यादा आते हैं लोग? किस ठंडा मौसम में ना? अच्छा अच्छा, पार्किंग पे से ये पार्क है, अंदर डिफरेंट लड़का लड़की डिफरेंट टूरिस्ट को दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंट पेड़ और पौधा है अंदर, ठीक है। पोस देते हुए कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे पोस देते हुए हम बात करेंगे उनसे।
हेलो, आप लोग कहाँ से हो? हम लोग जीरीघाट लालपानी। जीरीघाट लालपानी, हाँ। तो यहाँ पे घूमने आए हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से जीरीघाट? 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर ना, हाँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पे घूम पे? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया ना, दोस्तों के साथ आते रहते ना? फर्स्ट टाइम आया है? फर्स्ट टाइम आया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो अभी? स्टूडेंट है सब लोग। स्टूडेंट है ना, उधर ही कॉलेज में पढ़ाई करते हो ना? कहाँ पे? कॉलेज में। कॉलेज किधर है आप लोग का? पैभापुर कॉलेज, नेहरू कॉलेज। नेहरू। अच्छा, नेहरू कॉलेज में पढ़ाई करते हो ना। अभी खासपुर का अंदर ही हम लोग घूम रहे हैं। ये कुछ एक महल जैसा दिखाई दे रहा है हम लोग को। ये बेल का पेड़ है, ठीक है। ये बेल का पेड़ है, सिटिंग एरिया है यहाँ पे। ये सिटिंग एरिया है। ये अभी ये एक मंदिर है, पश्चिमी एक मंदिर है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक मंदिर है, एक बिल्डिंग जो कछाड़ी किंग डिमासा किंग का अमल से है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द कछाड़ी एंड डिमासा किंग दिस हैज बीन बिल्ट एंड नाउ इट इज स्टैंडिंग अलोन एंड अट्रैक्टिंग पीपल टू ट्रेवल इट एंड हैव ए फन आउट ऑफ इट। तो ये काफ़ी सारा ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहा है, बहुत सारा ग्रीन फील्ड है। ये एक मंदिर है जो कछाड़ी किंग डिमासा किंग या कोच किंग लोग ने बनाया है, और अभी तक ये सुरक्षित है। हालांकि इसको संरक्षण की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ का नीचे में आके खड़ा हूँ। हाँ, ये काफ़ी बड़ा पार्क एरिया है यहाँ पे। ये 500 बीघा लैंड है, इसको कवर करना आसान नहीं है। हम लोग किसी हाल में घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अभी ये एक मंदिर का पास है, हम लोग है खड़ा है। अभी हम और सामने बारद्वारी में जाएंगे, बारद्वारी देखने के लिए। अभी हम लोग खासपुर बारद्वारी का पास है, ठीक है। ये बारद्वारी मतलब बारद्वारी, एक्चुअली कोर्ट रूम था ये, कछड़ी डिमासा या कोच किंग लोग यहाँ पे जो भी कुछ अदालत में जो भी कुछ केसेस आता था यहाँ पे वो रिजोल्व करते थे। तो ये लास्ट है, काफ़ी एरिया है, कुछ कुछ एरिया जो हम लोग कवर कर पाए हैं। इसमें से ये बारद्वारी बोलते थे इसको, जहाँ पे कोच या कछड़ी किंग, कोच कछड़ी या डिमासा किंग लोग विचार करते थे। लोगों का कुछ प्रॉब्लम होने से यहाँ पे विचार करते थे। तो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी हैं, नन्हे मुन्ने टूरिस्ट बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो अभी ठंड का मौसम है, ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, उस वक्त ये वेदर भी अनुकूल हो जाता है। और अभी काफ़ी धूप है, जिसके चलते कुछ टूरिस्ट भी आते हैं शाम की तरफ, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये है कोर्ट रूम, किंग प्लेस का कोर्ट रूम है, जहाँ पे राजा लोग विचार करते थे। तो ये 500 बीघा का लैंड का ऊपर बना हुआ है कछड़ी किंग का, ये जो है कछड़ी कोच या डिमासा किंग का जो कोर्ट रूम है या डिफरेंट महल है। और ज़्यादातर पेड़ और पौधा यहाँ पे दिखाई देगा आपको, नेचुरल सीन दिखाई देगा। तो शाम का तरफ अगर कोई यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो सूर्य ढलने का टाइम में एक ब्यूटीफुल नज़ारा मिल जाता है, दिखाई देता है। तो आपको एक बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा अगर आप शाम को या सुबह यहाँ पे विजिट करते हो, तो आपके लिए बहुत रोचक मोमेंट होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे बार द्वार का ऊपर उठ के इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पे है जो मेंटेनेंस का काम में जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारा कटल भी दिखाई देगा और पेड़ पौधा बहुत सारा है। एक बड़ा सा ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड का बीचों बीच कुछ रुइंस ऑफ किंगडम, कछाड़ी किंगडम को मिलेगा। तो जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं उन सबसे गुजारिश है आप लोग आइए। ये 500 बीघा के ऊपर एक राजा वोक का निदर्शन है, राजा वोक का ग्रीन फील्ड, खेलने का जगह, कोर्ट रूम, किंग्स का डिफरेंट पार्ट मिलेगा यहाँ पे, सूर्य मंदिर है
और शिव मंदिर भी है, सान गोड है, सिंह द्वार है, ये सब अंदर है। तो काफ़ी बड़े होने का वजह से हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाया और काफ़ी धूप भी है। इस धूप में पूरा 500 बीघा जमीन घूम के देखना और कहाँ पे क्या है ये भी बहुत बड़ा बात होगा। इसे हम लोग जितना हो सके कवर किया है। तो आप सबके लिए ये आज तक मेरा खासपुर का ऊपर जो भी है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आज यहाँ पे ही है। सबसे मैं गुजारिश करूँगा जो जो लोग अभी तक खासपुर में नहीं आए हैं, खासपुर का जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है और खासपुर का जो पेड़ पौधा है, पार्क एरिया है, ग्रीन फील्ड है और राजाओं का जो डिफरेंट रूइंस है, ठीक है, मतलब उन लोग का जो महल है, महल का कुछ कुछ अंश अभी भी बचा हुआ है जो अभी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का ज़रूरत है, रिनोवेशन का ज़रूरत है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे काम कर रहा है। तो आने वाले दिन में हम खासपुर को नया रूप में देखेंगे। और आप अगर वेकेशन करने चाहते हो, घूमने चाहते हो, तो खासपुर आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, 500 बीघा का ऊपर एक खासपुर है, खासपुर का विलेज है। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। ये जो है ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे नीचे ड्रेनेज सिस्टम है और काफ़ी पुराना है ड्रेनेज सिस्टम, अभी मेंटेन किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तरफ से। दूर में एक आपको शान मंदिर दिखाई देगा, कुछ लोग वहाँ पर फोटो लेते हुए, वो आपको दूर में दिखाई दे रहा है, शान मंदिर है। और कुछ कैटल भी यहाँ पे ग्रेज करते हुए। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, आप लोग एक बार खासपुर आइए, खासपुर का जो नेचुरल व्यू है, जो नज़ारा है, वो उसका लुत्फ़ उठाइए और अपना वाइब का एक पल बनाइए। तब तक आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा, फिर से कुछ नया वीडियो, नया जगह का टूर कराऊँगा, शेयर कराऊँगा। तब तक अलविदा आप सबको। और एक बार आप सबसे मेरा गुजारिश है, जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए। मैं इसी तरह आप लोग को डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट जगह का वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। और आप लोग भी आने वाले दिन में इस तरह से काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस का वीडियो मेरे चैनल के जरिए देखने को मिलेगा, डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट नॉलेज आप लोग को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, ये खासपुर का ये जो बिल्डिंग वगैरह है, जो ये खासपुर का जो विलेज है, ये जो राजा राजबाड़ी है खासपुर का, ये 1690 AD में बनाया गया था। और पहले कोच किंग ने यहाँ पे अपना शासनकाल किया, कोच वोक का बाद काछड़ी वोक, डिमासा वोक आया। तो लास्ट जो किंग थे राजा गोविंद चंद्र सिंह, राजा गोविंद चंद्र सॉरी वो लास्ट किंग थे, उसका बाद से ये ब्रिटिश का हवावे हो गया था, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंदर में है, उनका देख रेख में, ये मेंटेनेंस में ये है, लोगों के लिए ये उन्मुक्त किया गया है। डिफरेंट टूरिस्ट यहाँ आते हैं और टूर्स करते हैं। तो आप भी एक बार आइए। तब तक आप लोग से मैं विदा लेना चाहूँगा, बाय बाय, अलविदा, अपना ख्याल रखें।